मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओमिक पटेल फ्रॉम कन्वा गुरुकुल। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज इन क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक रेन, बिकॉज वाटर इज अवर एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स दैट वी आर यूजिंग एवरी डे। थॉट ऑफ लाइफ विदाउट वाटर is impossible. So we will learn about rain, and this is rainy season, so we will learn about rain. Let us go back now to question of how clouds are formed and bring us rain. Achha, cloud kaise bante hai and barish kaise aati hai, wo yahan pe dekhna hai. We could start by doing a simple experiment which demonstrate some of factor including these climatic changes. Matlab bahut sare isme climate change asar karte hain, theek hai, जिससे है ना क्लाउड फॉर्म होते हैं और बारिश आती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे नहीं, बट एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक एन एम्प्टी बॉटल ऑफ द सॉर्ट इन विच बॉटल वॉटर इज सोल्ड। हाँ, जो बॉटल्ड वॉटर जो आता है, मतलब बिसलेरी का या जो किनली का बॉटल आता है वो, और अबाउट 5 to 10 ml ऑफ वॉटर इन टू इट। 5 to 10 ml पानी रख। नाउ क्लोज द बॉटल टाइटली, वॉटर क्लोज बंद करो। शेक इट वेल और लीव इट आउट इन सन फॉर 10 मिनट्स। बहुत शेक करो या तो फिर उसको 10 मिनट का बाहर सनलाइट में रखो। दिस कॉजेस द एयर इन द बॉटल टू बी सैचुरेटेड विद वॉटर वेपर, मतलब वॉटर वेपर में जनरेट हो जाएगा वो। नाउ टेक अ लाइटेड इंसेंस स्टिक, लाइटेड इंसेंस स्टिक लो। ओपन द कैप ऑफ बॉटल, मतलब आपको अगरबत्ती लेनी है जलाई हुई। ओपन द कैप ऑफ बॉटल एंड अलाउ सम ऑफ स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक टू एंटर द बॉटल। बॉटल के अंदर स्मोक को जाने दो। क्विकली क्लोज द बॉटल वंस मोर, बॉटल को के लीड को बंद करो। मेक श्योर दैट कैप इज फिटेड टाइटली, टाइटली वापिस से वो बॉटल को बंद करना है। प्रेस द बॉटल हार्ड बिटवीन योर हैंड एंड क्रश इट एज मच एज पॉसिबल, मतलब बॉटल को उसके अंदर दबाओ, ऐसा करके दबाना है, ठीक है। बाद में क्या होगा, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज द बॉटल। आप थोड़ी देर राह देखो, बाद में बॉटल का कैप को रिलीज करो, ठीक है, और बॉटल को प्रेस करो तो एयर धुआं निकलेगा बाहर की तरफ। ये होगा क्या कि हमने जो धुआं डाला है इंसेंस स्टिक, वो जो एयर है, वो जो स्मोक है, वो वाटर वेपर जो अंदर जनरेट हुई थी उसके साथ मिक्स होकर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। और जैसे वाटर को ऐसे पुश करते हैं तो बाहर धुआं निकलता है, ठीक है। तो वो जो है वो क्लाउड है, ये तो छोटे स्केल पे है, ठीक है। ऐसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है जो आकाश में होता है, फिर बारिश आती है, बट ये स्मॉल स्केल में था। दैट इज वाटर वेपर स्मोक या डस्ट के साथ मिलके क्लाउड बनाते हैं। द अबव एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल व्हाट हैपेंस व्हेन एयर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर goes from a region of high pressure to a region of low pressure or vice versa. That is, अगर ये high pressure से low pressure, मतलब क्या है कि मान लो कि भाई ये बारिश कैसे आती है, कि बारिश ऐसे आती है कि भाई हमारे जो समर में वाटर बॉडीज होती है वहाँ से वाटर वेपर बन के ऊपर जाती है और वहाँ पे ऊपर डस्ट पार्टिकल वो सब होता है। उसके साथ क्या होता है, मतलब ये डस्ट पार्टिकल सब मिल के वाटर वेपर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं है। और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का मामला ये है कि भाई ये समर में क्या होता है, भाई वाटर वेपर वाली एयर ऊपर जाती है, बराबर है, मतलब वहां पे लो प्रेशर जनरेट होता है और उसको रिप्लेस करने के लिए है ना जमीन से हवा पानी की तरफ जाती है, मतलब उसको लो प्रेशर हाई प्रेशर बोलते हैं। मतलब हवा ऊपर जाती है, मतलब वहां पे लो प्रेशर हो गया, हवा कम हो गई, जैसे कि साइकिल के टायर में हवा कम है, मतलब लो प्रेशर, ठीक है, हवा बहुत ज्यादा आपने भर ली है, मतलब हाई प्रेशर, हवा ज्यादा हाई प्रेशर, ऐसी बात है, ठीक है। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे, वाटर बॉडीज मतलब रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, हमारा ओशन है, वो समर में या तो डे टाइम में समर में हीट होता है, क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड गोस इनटू एयर। अब बहुत सारी एयर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगी और वो कहाँ जाएगी, क्योंकि गर्म हवा कैसी होती है, पतली होती है, गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट इन टू एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायो
सारी वाटर वेपर मतलब दूसरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स करते हैं, ट्रीज करते हैं, वो अपने लीव्स के थ्रू वाटर वेपर रिलीज करते हैं, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड, मतलब ये एयर हीट भी होती है क्योंकि भाई समर चल रहा है या गर्मी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ज्यादा ट्रीज होगा और बारिश का वैसा आपने स्लोगन सुना होगा, ओके, वृक्षों का और बरसात लाओ, तो इसकी वजह से क्योंकि ट्रीज है वो है ना वाटर वेपर देती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। द हॉट एयर राइजेस अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट, अब गर्म हवा ऊपर जाएगी इसके साथ वाटर वेपर को लेके, ओके, एंड इट एक्सपांड्स एंड कूल, वहां पे वो एयर है ना कूल हो जाती है। दिस कूलिंग कॉजेस द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट, अब बात है वापिस से वो वाटर वेपर कंडेंस होके कंडेंसेशन वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं। दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कूड एक्ट एज अ न्यूक्लियस फॉर दिस ड्रॉप टू फॉर्म अराउंड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये बहुत ही हार्ड सेंटेंस है, मान लो डस्ट पार्टिकल के आजू बाजू ये बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है वो न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियस मतलब सेंटर पार्ट, उसके आजू बाजू सब जमा हो जाते हैं, मान लो कि चलो डस्ट पार्टिकल कुछ के आजू सब वाटर के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं ऐसे करके क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है। तो वैसी बात है कि भैया डस्ट पार्टिकल न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है और उसके आजू बाजू डस्ट पार्टिकल के आजू बाजू वाटर के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, जमीन से, जो वाटर वेपर ऊपर के ऊपर गई है वहां पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन में वाटर वेपर से वापिस वाटर के ड्रॉपलेट, जैसे कि हम चाय बनाते हैं सुबह सुबह तो चाय बनाने में जो पानी है वो उबलेगा उसमें से वाटर वेपर बनेगा, वो वाटर वेपर ऊपर जाता है अब उसका रास्ता कौन ब्लॉक करता है, चाय के ऊपर रखा हुआ ढक्कन, अब ढक्कन के ऊपर वो कूल हो जाएगा, वाटर वेपर कूल हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा, वहां पे कंडेंसेशन होगा और वहां पे आपको ड्रॉपलेट देखने को मिलते हैं। नॉट इवन चाय, आप सब्जी है कोई भी गर्म चीज है उसको ढक्कन रख दो तो गर्म चीज में जो वाटर वेपर ऊपर जाती है वहां पे कंडेंसेशन होकर वाटर के ड्रॉपलेट बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन करते हैं। ये सेम प्रोसेस क्लाउड फॉर्मेशन में काम आती है पर डस्ट पार्टिकल के आजू बाजू ये वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। और दूसरे जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं स्मोक पार्टिकल डस्ट पार्टिकल उसके आजू बाजू में वाटर के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म दे ग्रो बिगर बाय कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब ऐसे बहुत सारे लार्ज स्केल में होता है, छोटा नहीं बहुत सारा, चाय में थोड़ा पानी मतलब ऐसे ड्रॉपलेट बनता है बट इन स्काई मतलब इन केस ऑफ रेन बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट है और डस्ट पार्टिकल के साथ जुड़ जुड़ के बहुत ही बड़े बड़े क्लाउड बनाते हैं। व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, मतलब ये बहुत ही हैवी हो जाते हैं, बिग बड़े बादल और हैवी हो जाते हैं, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, अब वो ग्रेविटी एंटी इसमें काम करेगी, ग्रेविटी की वजह से ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ही हैवीनेस की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ रेन मतलब एज अ फॉर्मेशन ऑफ रेन रेन फॉर्म में वो जमीन पे वापस गिर के आते हैं। ओके, समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो इनफ, कभी कभी अगर टेम्परेचर बहुत ही लो है जैसे कि अपने नॉर्थ इंडिया में जाओ शिमला जाओ मनाली जाओ, ठीक है, या हिमालय साइड कश्मीर जाओ तो वहां पे बर्फ गिरती है क्योंकि वो एक टाइप का रेन ही है बट बारिश गिरने वाली होती है, वाटर के ड्रॉपलेट गिरने वाले होते हैं बट क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही लो होता है तो वो लो होता है तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम स्नो स्लिट और हेल भी बोलते हैं। बर्फ गिरने का ये रीजन है जैसे कि केदारनाथ का मंदिर होता है ना,
ना उत्तराखंड में, तो साल में बहुत टाइम तक बर्फ से ढका रहेगा, इसका रीजन यह है ये वो एक टाइप की बारिश ही है, बट टेम्परेचर बहुत ही लो इनफ है, हायर अल्टीट्यूड पे है, सनलाइट वहाँ पे जल्दी पहुँचती नहीं है क्योंकि इक्वेटर से वो एरिया दूर है, दैट्स व्हाई रेज टेढ़े जाते हैं। एंड फिर बाद में क्या होता है कि भाई बारिश एज अ फॉर्म ऑफ स्नो स्लीट और हेल गिरती है। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब हमारे में रेन के पैटर्न होती है, मतलब रेन के वेव्स आते हैं कहाँ से, हमारे में जो अरेबियन सी है गुजरात के उस पर वहाँ से आते हैं, ठीक है, या तो फिर वे ऑफ बंगाल से आते हैं, तो वहाँ से ही वाटर का वेपर बन के वहाँ पे उसके वेव्स, ठीक है, वो पूरी कंट्री में पास ऑन होते हैं। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मतलब कौन सा, साउथ में वेस्ट साइड, मतलब हमारा गुजरात के साइड में, साउथ में मतलब अरेबियन सी, ठीक है, एंड दूसरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट साइड मतलब हमारा बे ऑफ बंगाल। ओके, वी ऑल हैव आल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट्स दैट से डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेन्स इन सम एरियाज, ऐसा सुना है। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो कहाँ गई है, ऊपर गई है, वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ है, ठीक है, वो एयर गर्म एयर मतलब वाटर वेपर वाली एयर ऊपर गई है, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, वहाँ पे डिप्रेशन है, तो ऐसा न्यूज में आता है कि डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल कॉजेज रेन, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो विंड उठने वाले होते हैं वहाँ पे क्या जनरेट होता है, लो प्रेशर, तो बारिश का अनुमान लगा सकते है, जैसे कि उत्तराखंड में बहुत साल पहले बहुत सारी बारिश हुई थी 2013 में, ठीक है, तो बारिश का है ना वेदर रिपोर्ट है ना, वो पता चल गया था कुछ टाइम पहले कि भाई हाँ वहाँ पे डिप्रेशन से पता चल जाता है, ठीक है, कि भाई वहाँ पे बारिश कैसे होने वाली है, मतलब है ना कभी कभी हम देखते हैं न्यूज़ में कभी अगले दो तीन दिन बारिश बहुत होने वाली है, या वेदर रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो उसके बेसिस पे ये होता है, ठीक है, तो भी हमारे में ऐसा फोटो दिया है। सैटेलाइट पिक्चर है ये, ओके, तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में आप सब जानते हो, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा, पोल्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड टॉक्सिक करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन का एनओ2 एच एनओ3 ऐसे बना
फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर सल्फर एंड नाइट्रोजन आपको मिलते हैं, अगर उसको जलाया गया तो प्रोड्यूस डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, अगर उसको जलाया गया ऐसे ऑक्साइड्स बनेंगे, उसको अगर हम सांस में लेंगे तो हमारे सांस में भी प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। दिस सस्पेंडेड पार्टिकल कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये जो हमारा पेट्रोल डीजल है ना पार्ट है ना, धुआं निकलता है उसके अंदर, आपने देखा होगा कि केरोसिन को जलाओ उसमें धुआं निकलता है और काला काला दीवार पे हो जाता है, ठीक है, तो हमने देखा है वो क्या है, अनबर्न कार्बन, मतलब बिना जला हुआ कार्बन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है और CO2 गैस जनरेट होता है, ओके। और हमें ये देखने को मिलता है हम विंटर में वो स्मोग अपने धुम्मस, ठीक है, तो धुम्मस का कारण क्या है, वाटर वेपर है वो उसके साथ, मतलब जो अनबर्न कार्बन है उसके साथ मिलके क्या बनाते हैं, स्मोग, स्मोग क्या बोलते हैं, धुम्मस, ठीक है, दिल्ली में बहुत सारा धुम्मस देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मतलब एयर पॉल्यूशन से ये स्मोग, मतलब स्मोग इंडिकेट करता है कि एयर पॉल्यूशन बहुत सारा हुआ। स्टडी हैव शोन दैट रेगुलरली ब्रीथिंग एयर दैट कंटेन्स एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज कैंसर एंड हार्ट डिजीज, अगर ये एयर पॉल्यूशन वाली एयर हमने बहुत टाइम तक हमने ली, मतलब पॉल्यूटेड एयर ली, तो हमें कैंसर एलर्जी एंड हार्ट अटैक भी आ सकता है। एन इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर वॉट एयर पॉल्यूशन, ठीक है, ये एयर पॉल्यूशन दिखाता है कि भाई ये बहुत सारी चीजें अगर बढ़ जाए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो हार्मफुल है, इसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। आपने लाइकेन को देखा है, लाइकेन एक मतलब सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है कि वो बैक्टीरिया और उसके साथ मिलके है ना दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दूसरे को मतलब फूड एंड दूसरे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कम्प्लीट करते हैं, ठीक है, तो लाइकेन ट्रीज के ऊपर या पत्थर के ऊपर देखने को मिलता है, उसके अंदर कलर चेंज आता है, इससे पता चलता है कि वहाँ एयर पॉल्यूशन हुआ है, जैसे कि यहाँ रोड साइड पे अगर ये लाइकेन कहीं पे उगी हो, ठीक है, पत्थर के ऊपर या ट्री के ऊपर, तो उसके अंदर कलर चेंज दिखाता है और वो शो करता है कि ये एरिया में एटमोसफियर में बहुत सारा पॉल्यूशन है, ठीक है। तो आज हमने दो चीज देखी है, रेन एंड एयर पॉल्यूशन, अगले वीडियो में वाटर और वंडर लिक्विड, ठीक है, देखने वाले हैं, वाटर पॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, ठीक है, तब तक ये वीडियो को देखे एंड समझे कि भाई ये रेन वाली चीज़ क्या है, जो टेक्स्ट बुक में है एक आराम से इजी लैंग्वेज में लिखी है, एंड उसके बाद एयर पॉल्यूशन क्या है वो आप टेक्स्ट बुक में से एक बार रीड कीजिए एंड साथ में ये वीडियो को भी देखते रहिए, जिससे ये दोनों टॉपिक आपको आराम से समझ आ जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखने वाले हैं।